भाई ये देखो, थोड़ा ओ वीक हो जाता है यार। अरे एक्सो ओ भाई, ये साला ओ लेट था एमआर भाई। ऑल राइट गाइस, आ चुके अकाउंट ने ब्रांड न्यू क्रेट ओपनिंग के साथ। तो गाइस एज यू नो कि बीजीएमआई के अंदर एक नया एक्सूट आ चुका है एंड उसका नाम है इग्निस एक्सूट। तो आज हम उसकी क्रेट ओपनिंग करने वाले हैं। भाई बहुत दिन हो गए, हमने एक भी क्रेट किसी चीज की भी नहीं खोली भाई। इतने सारे सूट्स और बेंटली वगैरह आ चुके हैं, हमने नहीं खोली। तो भाई आज हम गलत इरादे से आ गए भाई, एकदम लूटना है बीजीएमआई वालों को। तो चलो भाई साहब, देखते हैं पहले हमारा एक्सूट अपग्रेड वगैरह होने पर किस फॉर्म में कैसा दिख रहा है। ओके, इसमें भाई एक किल फील्ड एनिमेशन भी है, ये काफी सही चीज है। एंट्री इमोट, वाओ। ओ भाई साहब, ये तो लेवल 5 पे मिलेगा यार, मतलब बहुत खर्चा होने वाला है, मोटा पैसा लगेगा आज तो। तो भाई एंट्री इमोट तो भाई साहब शेर, यही 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 चाहिए अब तो भाई, यही चाहिए। देखो वैसे तो मैं शेर हूं ही, अब भाई साहब कैरेक्टर भी मेरा शेर होने वाला है, समझ रहो। ये शेर वाला एक सूट है अपना, देखो एक सूट है और एएमआर की स्किन आई है। ये एक लेवल पे उतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हाँ जैसे इसको हम मैक्स आउट करते भाई साहब, तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स बहुत सारी चीजें मिलेंगे, लेकिन हम इन सबको अभी नहीं देखेंगे भाई, जब हमारे इन्वेंटरी में आ जाएगी तभी हम देखेंगे। तो भाई हमने क्रेट ओपनर एक्सपर्ट को बुला लिया है और उनके साथ बंगाल के प्रसिद्ध टोटके बाज भी हैं। तो अभी भाई टोटका कर रहे हैं भाई, नंगोंगा कर दिया विक्टर को, एकदम गरीब बना दिया है, और भी दो चार स्टेप फॉलो किया, और उसके बाद अब हम सीधे चलते हैं अपने क्रेट ओपनिंग के साथ। पहले हम करेंगे एक स्पिन। तो भाई पहले हमको मोटिवेशन दिया जा रहा है कि हम लेवल 5 तक अपग्रेड करें, क्योंकि यार यहाँ पे देखो एंट्री दिखाने आए हैं। कहाँ है भाई एंट्री, कहाँ है शेर भाई, शेर कहाँ? अरे अरे अब आया माँ की ओंक भाई साहब, भाई करना पड़ेगा यार, 5 लेवल तक तो कर लूंगा अब। गाइस हम पहले एक क्रेट खोल के श्री गणेश करते हैं। ओके चलो, 2 क्रिस्टल मिल गए, इट इज वेरी गुड। अब 10 करते सीधा, स्मूथ। हाँ जय श्री गणेश, आए नम देखते हर हर महादेव। जस्ट इमेजिन पहले वाले में आ जाए, मैं छोड़ छाड़ के चल दूं अब। भाई मेरे में तो नहीं निकले थे यार शुरू में, ये भाई 10x डबल 10x होगी भाई। अच्छा रुको रुको रुको, मुझे आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बीजीएमआई अब यूनिपिन पे आ चुका है, वो भी बोनस यूसी ऑफर्स के साथ। यूनिपिन है 100% सेफ एंड इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर परचेजिंग इन गेम क्रेडिट्स। यकीन नहीं होता तो ये देखो, इट इज क्राफ्टन अप्रूव्ड। यूनिपिन है बीजीएमआई का ऑफिशियल पार्टनर भाई, क्राफ्टन की गारंटी है यूनिपिन पर। विश्वास नहीं होता तो ये देखो, क्राफ्टन की वेबसाइट पर भी है बाय यूसी एट यूनिपिन। अब आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आई रिकमेंड ओनली यूनिपिन। इट इज द फास्टेस्ट वे टू परचेज बीजीएमआई यूसी इन इंडिया। अगर आप यूनिपिन से यूसी खरीदते हो सो आपको मिलेगा 26% बोनस यूसी। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 26% बोनस यूसी, जो कि इन गेम से भी सस्ता है। अब कौन सा बहाना देंगे आप। तो गाइस अब भी जाइए फटाफट से एंड यूनिपिन से यूसी टॉप अप कीजिए। ये देखिए टॉप अप ऐसे होता है, यूनिपिन पे साइन अप करने के बाद आपको इस तरह से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, देन आप जिससे भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो यूपीआई वॉलेट के थ्रू, आप यहाँ पे इजीली एंड स्मूथली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब देखो मेरे वॉलेट में पैसे ऐड हो चुके हैं, अब हम सीधा चलते हैं बीजीएमआई में टॉप अप करने। हमें सीधा टॉप अप पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी आईडी एंटर कर देना है एंड अपना पैक सिलेक्ट कर लेना है, और हमारे वॉलेट में पैसे है तो हम भाई सीधा से अपना वॉलेट सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से यूनिपिन सिलेक्ट करके, और ये हमारा ट्रांजेक्शन कंफर्म हो चुका है। और हाँ ऐसे एक्साइटिंग ऑफर्स के लिए सबसे पहले जाइए यूनिपिन को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करिए, और फटाफट से जाइए साइन अप करिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे रखा है। अब नो बहाना, यूनिपिन को ही अपनाना। अब मजा आ रहा है भाई, ये क्या है भाई, ये तुम तो केवल भाई मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हो, देखता हूं भाई टूट जाए एक्सट्रूड भाई। होलू भी आ गया भाई साहब, क्या ही चल रहा, मजा आ गया भाई, चल रहा है भाई ये मजा आ गया भाई, साइबर ट्रिक मिल गया मेरे को भाई, वही ट्रिक काम कर रहा है भाई, अब नहीं बताओगे ये किसको। अरे फक बे, ये क्या हक दिया। अरे एक तो हगेगा, एक तो हगेगा देखो। अरे चलो पैन आया, ओके इट इज गुड। चलो भाई अब देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग के 2 क्रेट्स हमारे काफी सही गए, और यहाँ पे भाई इन्होंने फिर पोंक दिया थोड़ा से, बट बाद में थोड़ा सा रिकवर किया कि हमें डबल 10x मिल गया। देखो ये जो क्वाइंस हमें मिल रहे हैं 40 40 10x, तो ये हमें दरअसल
चीजों को अपग्रेड करने पे काम आएगी, जैसे हमें एक सूट अपग्रेड कर सकते हैं इनकी मदद से। एंड एज यू नो हम 5 लेवल तक अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम ये कॉइन चाहिए हमें 5 से 6 हज़ार। तो भाई साहब ये भी हमें काफ़ी सारे चाहिए होंगे, तो हमें एक सूट मिथिक तो चाहिए भाई साहब, साथ में ये कॉइन्स भी चाहिए। तो अभी भाई साहब लगातार ये पोखते हुए जा रहे हैं, एंड लेट्स सी इसमें क्या आता है। भाई जो क्रेट ओपनिंग मेरी जा रही है ये कुछ लोगों से कंपैरिजन करने में काफ़ी सही है, और कुछ लोगों से कंपैरिजन करने में थोड़ा उतना भी सही नहीं है, उतना भी अच्छा लक नहीं है मेरा। और जैसे देखो ये इमोट आ गया, इट इज़ प्रिटी गुड। अब भाई मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यार 20,000 यूसी में सब कुछ निकल आएगा, क्योंकि भाई लोगों के निकले भी है, बट यार मेरी जिस हिसाब से यहाँ पे यूसी गई ना, एक बात याद रखना भाई 38,900 कुछ यूसी थी मेरे पे। अब लास्ट में मेरी यूसी देखना तुम। फिलहाल यहाँ पर कुछ खास नहीं निकल रहा था, मैं सोच रहा था भाई बस खत्म करते यहीं पे, अपना एक सूट ही तो नहीं है, बाकी सब आ गया, कौन सा खास एक सूट है। और भाई मैं जा ही रहा था तभी इन लोगों ने मेरे से बोला कि भाई एक स्पिन मारो, और जैसे मैंने एक स्पिन मारा भाई साहब, भाई ये लोग तो ऐसा दे दीजिए, इनको ऐसा लग रहा है अंधेरे में फार्टिंग करने से पता ही नहीं चलता। मैं समझ रहा हूँ मेरा लक किसी ने खा लिया बीच में। चलो खैर एक और आ गया, देखते हैं कौन क्या खाया है। अरे वाह थैंक यू यार बीच में कम से कम तुम लोगों ने कॉइन तो दिया। एक्चुअली मेरे पे भाई वाउचर्स बहुत सारे थे, तो यार यही सब कर दिया मैंने। और हमने खटाखट ऐसे काफी सारे खोले और हमें ये 2 पत्थर मिल गए, इट इज वेरी यूजफुल पत्थर। और फिर से बैठ तरीकी, अरे भाई मोट आ गया, लेकिन ये तो हम पे था, कोई बात नहीं। और अब हम खुलते सीधा एक साथ में 10 क्रेट, ठीक है। अरे 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 त्रिकी, एक ही मटेरियल में निपटा दिया, हगने क्यों लग गया। स्टार्टिंग के 2 क्रेट में घुस कर दिया था। अरे सब में तो घुस किया यार, इतना सारा माल निकला। ओ लो भैया जो निकालने में तीनों छूट गए भाई, जो भाई ग्लाइडर आ गया भाई। भाई एएमआर भी मेरे को कितना लास्ट में मिली, और ग्लाइडर में तो भाई रोल भाई 10x हो गया, पेन 10x हो गया। भाई मैं तो खेल ही नहीं रहा जेवल भाई, तुम कुन्ना ही कर रहे हो भाई। भाई ओ भाई भाई 10x, अरे नहीं फक यार, अरे यार भाई 10x होता भाई लिटरली जेवल भाई कच्चे फट जाते तो। और भाई साहब ये सिलसिला चलता रहा, फिर से हमने क्रेट्स खोले और यहाँ पे फिर से इसने थोड़ा सा पोक दिया है। चलो 40 हो गए, कोई बड़ी बात नहीं, हमको कम से कम 150 वाली में दिया करे भाई, है ना, कोई बात नहीं। फिर से खोला और इसमें भी कुछ नहीं, चलो डबल 10x हुए, ये काफी अच्छी चीज हो गई। और फिर से हमने एक और खोला और इसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि एक सूट आएगा, और लेकिन जैसे क्रेट खुलना शुरू हुआ भाई, दुख दर्द पीड़ा अफसोस वेदना व्यथा संपात शोक मातम विपदा खेद तकलीफ कसक सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। लैम्स गो फॉर द थर्ड राउंड। भाई साहब देखते हैं इस बार क्या होता है, हमारी यूसी कितनी बची, मतलब 8-9 हज़ार लगभग यूसी खर्चा हो गई है, और एक सूट का अभी तक कोई अता पता नहीं। इसलिए हम सोच रहे भाई चल के ये लायन बड़ी निकाल लिया जाए, क्या बोलते हो, कोई हमारे साथ पेट नहीं है भाई साहब, वैसे 2 शेर एक साथ चल नहीं सकते, तो हो सकता है भाई मेरा ना निकले, मुझे तो लग रहा है भाई कि नहीं निकलेगा। खैर देखते हैं, अगर मैं शेर हूँगा तो भाई नहीं निकलेगा, अगर मैं शेर नहीं होगा तो भाई निकल जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। और ये हमने बड़ा वाला पैक खोल दिया भाई, सीधा 10 क्रेट, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, क्या बात है। आते हैं भाई साहब सीधा अपने यही वाले पे, इसमें तो भाई कुछ तो काम का निकल रहा था, इक्का दुक्का मटेरियल ही निकल रहा था, वही सही था। गोइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, लगा रखा है जवेल भाई, चिंता मत करो, साइड बाय साइड चल रहा है, काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है भाई, ये देखो। भाई थैंक यू यार, लव यू भाई, जिसने भी टोटका कराया भाई यार स्पाइडर। अरे भाई स्पाइडर को इसी ने तो पाल पोस के बड़ा किया भाई, वो है भी पता है कहाँ से स्पाइडर, बंगाली है भाई स्पाइडर, बंगाली भाई। अब भाई उस समय तो मैं खुश हो गया था, लेकिन अब देखकर लग रहा है अजी लुलुआ का टोटका भाई, ये क्या है सब, अगर ये सब भी तुमने टोटका करके निकाला तो भाई धिक्कार है तुम्हारे टोटका पे। इसका अर्थ तो ये निकल रहा है कि तुम सारा किसी और के ही वश में हो। नहीं ऐसा बात नहीं कि मैं पीठ पीछे हेट दे रहा हूँ, एक्चुअली हाँ शायद भाई ये मेरा कहने का मतलब। खैर ओके अनदर मिनी मटेरियल, ओके पत्थर मिल गए। पत्थर यार हमको वैसे भी रिडीम करना पड़ेगा, हम पे भाई कुछ भी नहीं है, पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं है जो भी इसमें यूज होंगे। अब भाई हमारा एक सूट तो निकल आया था, तो यार एक सूट वाला टोकन हमने पूरा कलेक्ट कर लिया और हमें मिला 1000 टोकन, क्योंकि भाई हमारा एक सूट तो निकल गया था, तो भाई उसके बदले हमें वही मिला। अब हमारे कितने कॉइन्स हो गए, 1750, तो अभी हमें और भी खोलना है, हमें अभी रुकना नहीं है। नहीं है ओ भाई पूरा यूसी नहीं, इतना अच्छा क्रेट ओपनिंग हो रही, पागल क्या लेवल 5 इनकमिंग लेवल 5 तो करने है जबल भाई। ओके 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 ओ भाई चलो एक नहीं चार कमाल दे दिया, चलो 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 ओके चलो नाइस गुड गुड।
ओके अरे पाक सब मेरे मुंह में भाई गुड़ शक्कर बोलो भाई एक 360 मिल जाए पॉइंट देखने को इसके 6x मिल गया और डबल 10x चलो भाई जेवल भाई की भाई टोटका मस्त करवाए भाई स्पाइडरमैन दो टोटका इज वर्किंग मैन मेरा नहीं करवा ऑल इज वर्किंग भाई तुम्हारी ओके मिथिक आ गया भाई 10x मार दो 10x टोट आई सही है चलो अरे 50 होता तो साला सीधे 500 पॉइंट हो जाते भाई चलो मारे मैं ओके भाई एक और अरे 10x क्यों यार भाई चलो भाई चलाते भाई ये क्या कर रहे हो यार जबल भाई भाई मेरे हाथ में नहीं है भाई तुम्हारा कांटेक्ट है यार ऊपर तक भाई मैंने फोन करके बोल दिया था जबल भाई भी कर रहे हैं ना तो उनको भी अच्छा अच्छा माल दे देना कुछ तो हो जाए चलो यही सही है भाई अभी कितने कॉइंस चाहिए करते रहो ना बता दिया जाएगा अभी तुम्हारा बहुत कम लगेगा यूसी मेरा तो 40-45 लगा है तुम्हारा तो अरे नहीं मैं 20 तक में रहना चाह रहा हूँ यार हाँ हाँ अभी तो है लेवल 5 तो करोगे ना तब तो एक सूट का मतलब है कोई फिर ओके चलो ये फिर से आया ये फिर से आया कि दोबारा क्या है ओके अरे बहन भाई 10 अरे यार भाई 100 होते किल मैसेज तक को तो करना है मैं ओके चलो सही है भाई इनका वो भी ज्यादा निकल रहा है येलो वाला स्किप करता हूं एक बार अरे भाई 8x अरे यार 8x आ गया अरे यार क्या इस अरे अरे ओ जॉर्ड भाई बस हेलमेट ही हो रहा है 10x और मिथिक्स नहीं हो रहे क्या आया इस बार अरे हक दिया अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे भाई चिंता ही कह दे सांस नहीं आ रही भाई चिंता ही कह दे अबे चिंता ही कह दे लो मटेरियल अरे मटेरियल अरे मां अरे चिंता कह दे चिंता कह दे भाई फक भाई अब बताओ कितने हो गए 3,350 हो गए भाई जवल भाई गूगल पे कर देना टोटका ज्यादा अब बताओ अब क्या करना है स्टार फोर्स में ए उसमें जाओ पहले तो रिडीम रिवॉर्ड रिडिप्शन रिवॉर्ड रिडिप्शन में जाओ रिवॉर्ड हां इसमें अब वो खरीद लो ऊपर के राइट साइड वाले दोनों खरीद लो मैक्स मैक्स आउट करके को खरीद लो हां पूरा खरीद लो ना खरीदो पूरा मैक्स 200 ओके 1200 कॉइन में हां चलो यार उसको वो वाला भी खरीदो महंगे डील तो नहीं दिला रहे हो ना अरे सस्ती तुमको तो ये 40% मिल गया मेरा तो 50% था चलो अभी भी कॉइन बचे चलो अब अपग्रेड हो गया अपग्रेड में बैक करें ओके अपग्रेड करें हां हां चलो लेट्स गो ओके ओह यस भाई चलो भाई सब एक लेवल तक हो गया अपना अब चलते दूसरे लेवल पर इसको भी अपग्रेड करते हैं असली फेर है वो चलो भाई विक्ट्री ब्रॉडकास्ट विक्ट्री भाई इसमें मेरे को ये बताओ विक्ट्री ब्रॉडकास्ट में जो भी गन यूज करेंगे उसमें ये एनिमेशन आएगा हां सब में सब में सब में ओके ये बहुत सही चीज है ये अभी बाय होगा 1 मिनट अब करो अरे कुछ 1 मिनट नहीं मारो अपग्रेड मारो जो कि हमारा भी 4 लेवल तक हुआ हमें 5वां लेवल तक चाहिए अब हमारे पास भाई कॉइंस वो जो भी पत्थर वगैरह ये कम पड़ रहे हैं तो हमें क्या करना है अभी हमें गाइस जितने भी यूसी बची हुई है हमें लग रहा है कि 2,000-4,000 यूसी में हो जाएगा बट एक्चुअली सीम जो है काफी लंबा खींचेगा भाई साहब पूरी यूसी हमारी अभी फूकने के लिए तैयार है तो भाई साहब अगले के लिए हमें एक अगला पार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें हम इसको पूरा अपग्रेड करेंगे एंड हाँ अपना AMR जो कि भाई 2-3 बार पता नहीं भाई मुझे पता नहीं बहुत सारी चीजें अभी बहुत बार निकलेंगी वो हम अगले पार्ट में देखेंगे अभी भाई मेरा AMR एक सूट कितने बार निकलेगा भाई मैं बता नहीं सकता तो अगला पार्ट में अगर तुम्हें AMR भी अपग्रेड चाहिए तो भाई कमेंट में जरूर बताना एंड कहीं सर जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हाउ इज डू नॉट फॉरगेट टू साइन अप इन यूनिपिन टू गेट 26% बीच माय यूसी बोनस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे रखा है जो सभी लोग फटाफट से साइन अप करो एंड हाँ गाइस आज के हम ज्ञान की बात करते हैं देखिए दोस्तों सज्जन व्यक्ति उसी को माना जाता है जो छींकने के बाद भी सॉरी बोल दे और वही सज्जन व्यक्ति फार्टिंग करने के बाद सॉरी नहीं बोलेगा बल्कि दूसरे पे इल्जाम डाल देगा।